गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें हम न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। आज अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। यस, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये चार क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जिसमें आप गुडविल भी कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट मेथड भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का करोगे, सेकंड भी करोगे, उसके बाद फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में गुडविल तो नहीं है पर फेयर वैल्यू पर शेयर पूछिए। तो स्टूडेंट, जो फेयर वैल्यू पर शेयर होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, यह नया पॉइंट है। इसके लिए स्टूडेंट अपने को क्या करना होगा, दोनों मेथड से वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसका एवरेज करना होगा। आप समझ गए, जैसे नेट एसेट मेथड से वैल्यू आई है वो है 12, प्लस यील्ड मेथड से वैल्यू आई है 14। ये फर्स्ट मेथड की वैल्यू पर शेयर है, ये सेकंड मेथड की वैल्यू पर शेयर है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एवरेज करना है और फेयर वैल्यू पर शेयर 13। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में अपने को दोनों मेथड से क्वेश्चन को हल करना है, उसके बाद उनका एवरेज करना है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू पर शेयर। आपको कहेगा फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करिए, तो फेयर वैल्यू पर शेयर का मतलब है वो दोनों मेथड से आपको कैलकुलेट करवा के उसका एवरेज चाहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यस, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 बुक में देखिए, जिसमें अपने पास गुडविल गिवन है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिटर्स, ये सभी अपने पास गिवन है। इसके साथ ही अपने पास 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं और बैड डेप के रूप में वो बताता है कि बैड डेप है वो 1 लाख रहेंगे। इनकम टैक्स अपने को चार्ज करना है 50%, ट्रांसफर टू रीजन है 25%, ट्रांसफर टू रीजन में करना है 25%, और NRR की रेट रहेगी 15%, और फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करके बताना है। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को इसको कंप्लीट करना है फेयर वैल्यू तक। तो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स में अपन क्या करते हैं, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करते हैं। तो जो अपने को बैलेंस में देखिए वो लिखते जाएंगे। गुडविल अपने पास है तो गुडविल लिख देते हैं, इसके बाद बिल्डिंग अपने पास है, बुक वैल्यू 9 लाख रुपये। इसके बाद प्लांट मशीन, ₹7 लाख रुपये। इसके बाद स्टॉक, 2.50। डेटर्स देखिए 5 लाख के हैं, इसमें से मैं 1 लाख रुपये बैड डेब्ट के लेस कर रहा हूँ। इसके कर रहा हूँ बैड डेब्ट के 1 लाख रुपये इसमें से लेस करने हैं, और यहाँ 4 लाख रुपये लिखे। फिर कैश है 2 लाख रुपये। इस प्रकार से स्टूडेंट इनका टोटल कर देते हैं, इनका टोटल है लेस में अपने को आउटसाइड लाइबिलिटीज लेस करनी है, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 1.50। इसके बाद अपने पास है प्रोविजन फॉर टैक्स
दिया हुआ है अपने पास 2 लाख रुपए का और क्रेडिटर्स क्या 90,000 4,90,000 ये अपन लेस कर देते हैं और 21,22,10,000 ये अपने नेट एसेट्स है 22,10,000। इसको आप नोट करिए, फर्स्ट मेथड में नेट एसेट्स मेथड में अपन क्या करते हैं, प्राइमरी कैलकुलेशन अपनी नेट एसेट्स ही रहती है, देन अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर ली है, अब वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर देते हैं। तो 6 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू पर शेयर इक्वल नेट एसेट्स डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेट एसेट डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट एसेट्स दिस वन 22,10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है वो 8,000 के हैं, इसमें ये डिवाइड करते हैं 276.5, ये वैल्यू पर शेयर है फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड की जो वैल्यू पर शेयर है 276.5, ये वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट की है। अब सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो अपना मेथड है उसमें अपने को क्या करना होता है, यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में अपने को प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और फिर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के बाद रेट का फॉर्मूला और उसके बाद वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना होगा, उसके बाद रेट वाला फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद वैल्यू पर शेयर की कार्रवाई की जाएगी। यस, अब एक लिखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, साथ में ये नाम मत भूलना, ये शोर्ट में मैंने लिखा है कि आप साथ में पूरा नाम पढ़ो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो अपने यहाँ लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट है उसमें आप बैड डेट के 1,00,000 रुपये लेस करना। जैसे अपने पास टोटल प्रॉफिट हम देखें ना, तो 3 ईयर की डिटेल है अपने पास, 6,50,000, 6,07,000, इन तीनों का टोटल करेंगे, उसमें 1,00,000 रुपये बैड डेट के लेस किए जाएंगे और उसके बाद उनका टोटल रहेगा 18,50,000। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, इससे 3 से इसको डिवाइड करना है। तो 18,50,000 डिवाइड में 3 करते हैं, ये पॉइंट टू में आ रही है इसमें, तो 6.7 कर दिया है मैंने। इसके बाद अपने को क्या करना है, इनकम टैक्स लगाना है, लेस इनकम टैक्स के बारे में अपने को बोल रहे हैं वो 50% लगाना है, तो 50% ऑन दिस वन, इसका 50% हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। तो इसका 50% चार्ज किया, तो कहने का मतलब इसका हाफ कर देते हैं,
ये 50%, तो ये अपन इसमें क्या करते हैं लेस करेंगे। ये लेस करने का मतलब है कि 50% है तो ये अमाउंट अपन लिख देते हैं। ये लेस कर दिया। इसके बाद अपने को ट्रांसफर टू रिजर्व बोल रहे हैं 25%, तो यहाँ लिखते हैं लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 25% ऑन दिस वन। इसका 25% अपन क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। ये इसका ट्रांसफर कर दिया है। अब जो बैलेंस बचा है उसको लिख देंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट हो चुका है। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है फॉर्मूले लगाने हैं, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रॉफिट, आप पूरा भी लिख सकते हो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में अपने को जो करना है वो इक्विटी शेयर कैपिटल करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, इनटू में क्या करना है 100 करना है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अभी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, ये अभी कैलकुलेट किया हमने। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 800,000 है और इनटू 100 कर देते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। रेट कितनी आएगी वो अभी लिख देते हैं अपन 28.91%। अब लिखते हैं वैल्यू पर शेयर, ठीक है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर लिख दीजिए। इक्विटी शेयर इक्वल, इक्वल में ये जो है ना ये लिखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख सकते हो, डिवाइड में होता है एन आर आर इंटू पैड ऑफ वैल्यू पर शेयर, ठीक है, पैड ऑफ वैल्यू पर शेयर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड रेट है दिस वन, डिवाइड एन आर आर की रेट अपने को दे रखी है 15 इंटू पैड वैल्यू पर शेयर। बैलेंस शीट में देखिए पैड वैल्यू पर शेयर है 100 का शेयर से, ये कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं,